Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel, and today we will discuss about living word. This is the first chapter of 11th NCERT, जिसमें हमने सबसे पहले जो हमारा अपना पिछला वीडियो था जिसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, जिसमें हमने लिविंग वर्ड के पूरे इंट्रोडक्शन लिया था कि कैसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, फोर कैरेक्टर इन्वॉल्व थे जिसमें कि पहला क्या था रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या था ग्रोथ, थर्ड क्या था मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, फोर्थ क्या था कंसिस्टेंस। ठीक है, तो कंसिस्टेंस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर डिफाइनिंग फीचर्स बोल सकते हैं, लेकिन जो अगर एक्सेप्शन की बात करें या फिर मतलब उसके बाद अगर कंसिस्टेंस आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, ये सारी चीज हमने डिस्कस करी थी। फिर हम बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक नॉमेनक्लेचर होता है जिसके कारण आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हमने फोर पार्ट में डिवाइड किया था कि टैक्सोनॉमी होता है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो होता है फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में वो जाना जाता है। ठीक है, पहला क्या था नॉमेनक्लेचर, दूसरा क्या था आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्या था क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ क्या था करेक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पहले क्या था उसे हम कोई नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसका आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे वो आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या मतलब कैसे किस स्पीसीज को कौन से पार्ट में रखना है, तो वो सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन में। ठीक है, फिर देखिए फोर्थ क्या था कैरेक्टराइजेशन, किसी भी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को देखकर या फिर कैरेक्टर को देखकर जिसके कारण हम उसे जान सकते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी के बेस पे उसके उसे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उसे अलग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रख सकते हैं, वो क्या है एक मतलब वो किस पार्ट में आता है, करेक्टराइजेशन में आता है। ठीक है, वो कौन सी एरिया में रहता है जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, तो इकोलॉजी के बेस पे हम उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, करेक्टराइजेशन जो कि इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये चारों पार्ट को देख के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर देखिए हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ जिसमें जिसको हम देखते हैं। टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड एज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानना। ठीक है, कि वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, तो ये फोर पार्ट है आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कैरेक्टराइजेशन भी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, द मेन गोल ऑफ अ टैक्सोनॉमिस्ट इज आइडेंटिफाई द स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए क्या करते हैं मतलब कि मतलब जो टैक्सोनॉमी है ये मेनली किसी किसी भी एनिमल को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, जिसमें कि जो फोर पार्ट थे, फोर पार्ट में जो मेन है वो कौन सा है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसके कारण हम उस किसी भी स्पीसीज को अलग से रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एनी स्पेसिफिक नेम और साइंटिफिक नेम, दैट मींस फर्स्ट नेम इज अ जेनेरिक एंड अदर नेम इज स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के क्या होता है, एक बायोलॉजिकल नेम होता है जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल नेम होता है या फिर साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम होता है जैसे कि हमारा मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का के किसी भी जैसे आपका नाम है। ठीक है, तो आपके नाम में क्या होता है, पहले नाम होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आपकी कास्ट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, साइंटिफिक नेम भी होता है। साइंटिफिक नेम में दो पार्ट होते हैं जिसमें कि पहला जो आप जैसे जहां पर आप अपना नाम लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो एक जेनेरिक नेम बोला जाता है। ठीक है, और जहां पर आप उसके अपनी कास्ट लिखते हैं उसे क्या बोलता है, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, क्या बोलता है, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो यही इसी तरीके से सभी ऑर्गेनिज्म में भी होता है कि किसी का भी अगर हम साइंटिफिक नेम बताना चाहें तो वो क्या होगा, दो टाइप से होता है कि पहला नाम उसका क्या होगा, दो पार्ट में होता है जिसमें कि पहला पार्ट क्या होगा, जेनेरिक, और दूसरा क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीसीज। ठीक है, ओके, फिर देखिए, साइंटिफिक नेम इज राइट इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन एंड सेपरेटली अंडरलाइन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नाम लिखते हैं तो वो तो पता चल गया कि पहला नाम जेनेरिक होता है, दूसरा क्या होता है, स्पीसीज होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम उसे लिखते हैं तो वह कैसा होता है, इटैलिक होता है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज उस साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो वो क्या होता है, इटैलिक वर्ड में लिखते हैं जिसमें कि
जो अगर हम वर्ड की बात करें या फिर लैंग्वेज की बात करें तो वो क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है, ठीक है। लैटिन वर्ड में इटैलिक लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का ये तरीका होता है, क्या होता है कि वो क्या होगा, इटैलिक होगा, ठीक है, और उसके बाद लैटिन वर्ड में होगा। फिर जब वो पूरा नाम लिख देंगे तो क्या होगा, उसके नीचे अंडरलाइन भी होगा, ठीक है। फिर जैसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें कि पहला क्या क्या दे रखा है एग्जाम्पल, मैंगी फेरा इंडिका, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है मैंगो का है, जो कि एक मतलब मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम होता है या फिर साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो क्या है, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। जिसमें कि मैंगी फेरा क्या है, जेनेरिक नेम है, ठीक है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज नेम है, ठीक है। मैंगो की स्पीसीज जो है वो क्या है, एक इंडिका है, ठीक है। तो मैंगी फेरा इंडिका इज अ बायोलॉजिस्ट नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, ठीक है, कि किस तरीके से आप किसी भी चीज को पूरा मतलब किसी भी स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपको मैंने मतलब एक मैंने ट्रिक दे रखी है, जिसमें कि लिखा हुआ है कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। मतलब अगर किसी भी पॉट को हमें क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी, उसमें डिजीज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फैमिली में। तो वही लिखा है किंग, कीप मतलब किंगडम, ठीक है, पॉट मतलब फाइलम, क्लीन मीन्स क्लास, अदरवाइज मीन्स ऑर्डर, ठीक है, ओके। फैमिली मीन्स फैमिली एंड गेट मीन्स जीनस एंड सिक मीन्स स्पीसीज, ठीक है। इस तरीके से क्या है, मुझे एक वर्टिकली रखना पड़ेगा इसे। सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम, देन क्या आएगा, फाइलम या फिर डिवीजन, ठीक है, फिर क्या आएगा, क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो डिवाइड होती है, ठीक है। मतलब जैसे कोई स्पीसीज है, इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले उसका किंगडम का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमें फाइलम का रखना पड़ेगा, फिर क्लास का, फिर ऑर्डर का, कौन से ऑर्डर से वो आता है, ठीक है, फिर उसकी फैमिली का नाम रखना पड़ेगा कि वो कौन से फैमिली से आता है, फिर उसके बाद उसका जीनस का नाम लिखना पड़ेगा, फिर स्पीसीज का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जीनस पता है और स्पीसीज पता है तो आप इजली साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्पीसीज का, ओके। फिर ये क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम इसके डेफिनेशन बनाना चाहें तो दो या दो स्पीसीज से मिलकर क्या बनता है, हमारा जीनस बनता है, ठीक है। दो जीनस मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, ठीक है। फैमिली अगर दो या दो फैमिली मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्डर, ठीक है, और दो या दो ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे, क्लासेस, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये सारी इसकी डेफिनेशन होती चली जाती है, ठीक है, ऊपर तक, ओके। फिर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। दिस स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे इस तरीके से टैक्सोनॉमिकली बेस पे उसको एक डेटा के फॉर्म में मतलब डेटा के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस, दैट मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर डिफरेंट टाइप। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है कि ऐसे स्पीसीज जिसे हम काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं कि जो न्यू जनरेशन आने वाली है उसको पता चल सके कि कौन सी स्पीसीज हमारी मतलब पहले अर्थ में थी और उसे देख सकें, ठीक है। टेस्ट इस तरीके से उस चीज को स्टोर करके रखा जा सके ताकि जो जनरेशन है आगे वाली वो जान सके, ठीक है, कि पहले हमारे इस अर्थ पे स्पीसीज कौन कौन सी थी, ठीक है, और वो कैसे दिखती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं वो किस में आती है, टैक्सोनॉमिकल एड्स में आती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप की है, जिसमें कि पहला क्या है, हर्बेरियम, ठीक है, सेकंड क्या है, बोटेनिकल गार्डन, एंड थर्ड क्या है, म्यूजियम, एंड फोर्थ क्या है, जूलॉजिकल पार्क, एंड फिफ्थ क्या है, की, ठीक है। तो ये सारे कुछ पार्ट हैं जिससे कई सारी ऑर्गेनिज्म को स्टोर करके रखा जाता है ऐसी एरिया में, ठीक है। हम हर्बेरियम की बात करते हैं, पहले क्या है हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है,
हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शिप। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई एक पेपर हो गया, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर हो गया जिसमें कि कोई भी स्पीसीज है, तो स्पीसीज हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। तो प्लांट्स, इसको हर्बेरियम का मतलब क्या है, किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर को, उसको क्या करते हैं, उसके पूरे एक्सटर्नली पार्ट को हम क्या करते हैं, पूरे एक ब्लैंक पेपर में रखते हैं और उसे क्या करते हैं, पहले हम उसको ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम उस ब्लैंक पेपर में क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, टेप से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते थे, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो उस प्लांट का नाम लिखते हैं, उस प्लांट को कौन कलेक्ट कर, किसने कलेक्ट करके लिख रखा हुआ है उसका नाम लिखते हैं, कौन से डेट में आपने लिख रखा है उसको प्रिजर्व करके उसको लिखते हैं, ये सारी चीजें पूरा डेटा के फॉर्म में उस पेपर पे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी भी स्पीसीज को हम ड्राई करके उसे पेस्ट करके किसी भी पेपर पर लगाते हैं, ब्लैंक पेपर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, शीट पे लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम, ठीक है। उस शीट को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम शीट, ठीक है। तो ये हो गया, किसी भी प्लांट के स्पीसीज को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, कि अगर आने वाली मतलब वो प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो उसको हम प्रिजर्व करके इसीलिए रखते हैं कि आगे अगर कोई देखना चाहे उस प्लांट को कि वो प्लांट कैसा था, कैसे दिखता था, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सीड, दैट मींस डेट, प्लेस, बोटैनिकल नेम एंड फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, ये सारा सो ऑन, ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं उस सीट में, ठीक है, कि कौन से जगह से आप लाए हैं, कौन से जगह पे वो रखा जाता है, ठीक है, उसका एनवायरमेंट कैसा है, वो सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। डेट में मतलब कौन सी डेट में आपने रखा है, और उस प्लांट को कलेक्ट किसने किया है, कौन से मतलब किसने उस सीट पे पेस्ट किया है, उसका भी नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उस सीट में रखते हैं, ओके। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हमने हर्बेरियम में डिस्कस करी। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। Garden have a collector of living plants for referenced plant species in this garden are grow for identification as a purpose. Botanical garden का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर herbarium में क्या कर रहे थे, किसी भी plant को क्या कर रहे थे, dry कर रहे थे, मतलब वो क्या हो जाता है, पूरा dead हो जा रहा था, ठीक है, plant कोई भी है जो dead हो जा रहा था, जिसमें कि हम उसे dry करके प्रिजर्व करके स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बॉटेनिकल गार्डन होता है, इसमें क्या करते हैं, गार्डन क्या होता है, जहाँ पर हम लिविंग पूरे प्लांट को ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो जो स्पीसीज हैं, तो उन स्पीसीज को अलग अलग उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे रखते हैं, जिससे हम बॉटेनिकल गार्डन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम उसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फिर उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन उस जगह पर रखते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, इसका स्पीसीज क्या है, ये सारी चीजें हम अलग अलग एरिया में, उस पूरे गार्डन में अलग अलग एरिया में रखते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा प्लांट है, कौन से स्पीसीज का प्लांट है, वो कौन सा प्लांट है, वो कौन से स्पीसीज का प्लांट है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फेमस बोटेनिकल गार्डन, अब कई सारे फेमस बोटेनिकल गार्डन है जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। तो अगर हम क्यू की बात करें, जो कि इंग्लैंड में एक फेमस बोटेनिकल गार्डन, फिर उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में हावड़ा प्लेस पे बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ओके। फिर देखिए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, वो भी एक बोटेनिकल गार्डन है, वो भी एक इंडिया में है, ठीक है। तो ये सारे बोटेनिकल गार्डन हमारे पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडेड है, ठीक है, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गया बोटेनिकल गार्डन के। थर्ड हमारा क्या है, म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम की बात करते हैं। म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट इन अ कंटेनर्स और जार्स इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब म्यूजियम क्या होता है, इसमें हम प्लांट और एनिमल दोनों को ही रखते हैं, ठीक है। कहाँ पर, एक कंटेनर्स होता है, मतलब कि जो ग्लास का कंटेनर्स होता है, ठीक है, या फिर मतलब जार भी बोल सकते हैं, तो कंटेनर या जार में हम उसे रखते हैं, ठीक है, एक सोल्यूशन में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो पाए, ठीक है। तो प्लांट को भी रखते हैं और एनिमल्स भी रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए
इंसेक्ट कलेक्टर ने इंसेक्ट बॉक्स, जो भी इंसेक्ट होते हैं तो इंसेक्ट को किसमें रखते हैं, इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, ठीक है, कलेक्ट करके फिर उसके जब वो ऐसे ही नहीं रखते थे, जब वो मतलब जब वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तभी हम उस इंसेक्ट बॉक्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद और अगर लार्ज बर्ड है, कोई लार्ज बर्ड हो गई, मैमल्स हो गए, ये सारे क्या है, इनको भी स्टोर करके म्यूजियम में रखा जाता है, ठीक है। फिर देखिए कलेक्शन हैव अ स्केल्टन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के जो भी स्केल्टन होते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उन पर रिसर्च करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, म्यूजियम में स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट की बात करें ड्राई प्लांट की, तो वो किस में रखते हैं, हर्बेरियम शीट में रखते हैं, ठीक है। अगर हम लिविंग प्लांट्स की बात करें जो कि अभी भी लिविंग हैं, तो उन्हें किस में रखते हैं, बॉटेनिकल गार्डन में ग्रो कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम म्यूजियम की बात करें तो वहां पर प्लांट और एनिमल दोनों को ही रखते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनको एक कलेक्शन मतलब जार या फिर कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए जूलॉजिकल पार्क के बारे में देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जूलॉजिकल पार्क, इसमें देखते हैं द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड व्हिच एनेबल टू अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, जैसे कोई एनिमल्स है, ठीक है, तो एनिमल्स को अगर हम क्या ऐसी एरिया जहाँ पर हम एनिमल्स को स्टोर करके रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को स्टोर करके रखते हैं, उन एनिमल्स का कैसा बिहेवियर है और उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, वो सारी चीजें जो कि ह्यूमन बींग के अकॉर्डिंग उनकी केयर करी जाती है, ठीक है। तो ये सारे किसमें आता है, एक जूलॉजिकल पार्क होता है जिसमें कि एनिमल्स को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। फिर देखिए चिल्ड्रन लव विजिटिंग देयर पार्क ओनली कॉल्ड एज अ जू। जो चिल्ड्रन होते हैं, जैसे चिल्ड्रन हो गए, तो चिल्ड्रन को ऐसे एरिया पे मतलब उनको विजिट कराया जाता है, जैसे कि जिसे जो चिल्ड्रन जब विजिट करे जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, जू, ठीक है। तो जो भी जूलॉजिकल पार्क होते हैं जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है तो उनका नाम दे दिया जाता है क्या, जू, ठीक है। तो सभी जो कि सभी सिटीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे जहाँ पर एनिमल्स को स्टोर करके रखा जाता है और उनकी केयर करी जाती है प्रॉपर, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। ओके, फिर हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, की इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एस यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। इसमें भी ऐसे करके स्टोर करके रखा जाता है प्लांट और एनिमल्स को, जिसमें कि हम कंपेयर करते हैं कि कौन से स्पीसीज में मतलब सिमिलरिटी है, कौन से स्पीसीज में डिसिमिलरिटी है, मतलब कि जैसे कि सेम स्पीसीज का कोई भी दो एनिमल्स हैं, उनको क्या किया गया है, उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, कि अगर वो सेम है तो उनको अलग रखा जाएगा, और अगर उनमें डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस है, ठीक है, उनके कैरेक्टर में कोई भी डिफरेंस है तो क्या होगा, उनको अलग रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे उन्हें मतलब अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। फिर देखिए सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी सच एज अ फैमिली जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के पर्पस पे मैंने बताया था कि टैक्सोनॉमी की कैटेगरी जो होती है उसी के बेस पे हम किसी भी स्पीसीज को रखते हैं, ठीक है, कि कौन सा उसका ऑर्डर है, कौन सा उसका जीनस है, कौन सा उसका मतलब फैमिली है, और कौन से किंगडम में आता है, कौन से फाइलम में आता है, ये सारी इसके बेस पे किसी भी स्पीसीज को रखा जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हम किसी भी स्पीसीज को सेपरेट करते हैं, ठीक है, कि सिमिलरिटी कौन सी है, डिसिमिलरिटी कौन सी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली ऑन अ पेयर कॉल्ड एज अ कपलेट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी भी स्पीसीज की कंपेयर करी जाती है, ठीक है, कैरेक्टर के बेस पे हो गया, बिहेवियर के बेस में हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके कारण किसी भी स्पीसीज का क्या है, कंपेयर की जाती है कि कौन सी स्पीसीज डिफरेंट टाइप की है, कौन सी स्पीसीज डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। अगर सिमिलरिटी होती है तो उनको एक साथ रख दिया जाता है, डिसिमिलरिटी होती है तो उनको अलग रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे की जो होता है एरिया, वहां पर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही रखा जाता है, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल के बेस पे। ओके, तो ये हमारा चैप्टर आज पूरा फिनिश हो जाता है, जिसमें कि हमने मतलब इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस बायोडाइवर्सिटी के वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और
कैसे किसी भी बायोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं। और हमारा एनसीईआरटी का कोई मतलब चार्ट भी दे रखा है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो भी डाउट हो इस पूरे सेशन को देखने के बाद, जो भी आपको डाउट हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।